हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रायोरिटी एनकोडर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एनकोडर का ये एक टाइप है, प्रायोरिटी एनकोडर। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी एनकोडर बेसिकली एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिक गेट्स यूज होते हैं इसको बनाने के लिए, तो ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब मल्टीपल इनपुट्स हाई होते हैं तब हम प्रायोरिटी एनकोडर यूज करते हैं। नॉर्मली एनकोडर में एक एक बिट हाई होता है, लेकिन अगर एक ही समय पर दो बिट हाई हो जाए तब हम प्रायोरिटी एनकोडर यूज करते हैं, ठीक है। इनपुटर में जैसा कि हमें पता है 2n इनपुट होंगे और n आउटपुट लाइंस होती हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस आउटपुट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ इनपुट, मतलब कि सपोज हमारे पास चार इनपुट हैं D3, D2, D1, D0। तो इसमें क्या है, D3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है और D0 की प्रायोरिटी सबसे कम, ठीक है। ये हमने इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया, इसमें ये D0, D1, D2, D3 और ये हो गया 4:2, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 2n और n इज इक्वल टू 2, ठीक है, और दो आउटपुट। इसके हमने टेबल बनाई है यहाँ पर, जब D3, D2, D1 और ये हो गया D0, ठीक है। तो D0 जब 1 होगा, बाकी बिट्स 0 होंगी, तब हमें आउटपुट मिलेगा 0 और 0 दोनों पर, ठीक है। सेकेंड केस में जब D1 1 होगा, ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, लेकिन अब जब यहां पर क्या है, D0 चाहे 1 हो चाहे 0 हो, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है इससे, इसलिए इसके आगे जो भी D0 की वैल्यू होगी उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, ठीक है। ये हो जाएगा डोंट केयर कंडीशन। आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 1, Y0 पे 0 मिलेगा और 1 पे 1 मिलेगा, ठीक है, इसकी चाहे कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। नेक्स्ट केस में ये 0 1, बाकी ये दोनों हमारे डोंट केयर कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है D1 से भी और D0 से भी, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो आउटपुट हमें मिलेगा यहाँ पर 1 और इसमें मिलेगा 0, ठीक है। D3 में क्या रहा है, नेक्स्ट केस में जब D3 1 है तो बाकी D2, D1, D0 कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें आउटपुट मिलेगा 1 और 1, ठीक है, क्योंकि D3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है D2, D1 और D0 से, इसलिए इनकी ये सारी हमारे डोंट केयर हो जाएंगी और हमें मिलेगा 1 और 1, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि हमने ये प्रायोरिटी देखनी है, क्योंकि यहाँ पर तो इनिशियल स्टेज है तो हमें मिलेगा 0 0, सेकेंड स्टेज में ये D1 की प्रायोरिटी से ज्यादा है तो इसकी कोई भी वैल्यू हो हमें 0 और 1 मिलेगा, इसी तरह से ये, ठीक है। अब हम इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं Y0 और Y1 का। तो Y0 में जहां पर ये 1 है ये हम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा D3 बार D2, ठीक है, ये हो गया D3 बार D2 और इस 1 के सामने हो गया D3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बूलियन अलजेब्रा के लॉज लगाए हैं, ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में किए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, D3 बार प्लस D3 इंटू D2 प्लस D3, तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो यह जाएगा D2 प्लस D3, ठीक है। इसी तरह से Y1 के लिए ये 1 और ये 1 के सामने जो भी होगा वो ले लेंगे, ये हो गया D3 बार D2 बार D1, ठीक है, तो D3 बार D2 बार D1 एंड प्लस ये वाला D3, तो ये हो गया D3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा D2 बार D1 प्लस D3, ठीक है। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया Y0 और Y1 के। अब हम इसका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, हमने चारों लाइन्स खींच ली, ठीक है। तो पहला Y0 हमें मिल रहा है D2 प्लस D3, तो हमने D2 और D3 को और गेट से पास कर दिए, तो ये मिल जाएगा D2 प्लस D3, ठीक है। Y1 में हमें क्या मिल रहा है, D2 बार, तो ये हमारा D2 है, यहाँ पर मिल जाएगा हमें D2 बार, ये हो गया D1, इन दोनों को एंड से पास कर दिया और फिर ये D3, इसको हमने और से पास कर दिया, तो ये हमें मिल जाएगा D2 बार D1 प्लस D3, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक डायग्राम है प्रायोरिटी एनकोडर का, ठीक है। आई होप आपको प्रायोरिटी एनकोडर का बेसिक डेफिनेशन, उसका ट्रुथ टेबल और उसका एक्सप्रेशन और उसका लॉजिक डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन